अब रह गया सब्जेक्ट समझ गए, वर्ब समझ गए, अदर वर्ड। अदर वर्ड में दो चीज आता है, एक तो बोल देते हैं हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और कभी कभी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं जी कॉम्प्लीमेंट। तो ये शब्द जो है इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, क्योंकि कहीं लिखा रहता है कॉम्प्लीमेंट और कहीं रहता है ऑब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सबसे मेन पर्पस हम लोग को इसी को समझना था। इतना पढ़ने का मतलब है इसको भी समझना, हम लोग आज क्लियर करेंगे कि जो है कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। रूल यानी रूल ऑफ मेकिंग लिखाता है कि नहीं, तो रूल ऑफ मेकिंग लिखाने का अर्थ क्या है कि उसको बनाते कैसे, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यही ना लिखते हैं। तो बहुत लोग कहता है कि अदर वर्ड ये सब्जेक्ट ये समझे में नहीं आता है कि सर इटा का लिख दिए हैं, ऐसा होता है, होता है कि नहीं। तो चलिए आज वहीं हम लोग क्लियर करेंगे कि उसको पहले से हम लोग कैसे दिक्कत हुआ था और कहाँ कहाँ दिक्कतें होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है कह रहा है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले इसके हम लोग बारे में जान लेंगे कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, यानी कोई काम करने वाला, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे लिख भी दिए हैं आप लोग के लिए, किसी भी सेंटेंस में जो काम को करने वाला होता है, क्या चीज जी, जो काम को करने वाला होता है वह क्या है जी, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए राम क्रिकेट खेलता है, तो खेलने के काम कौन करता है जी, राम, यानी जो काम करने वाला है तो वही कौन है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे राम, राम तो इस वाक्य के क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, राम इस वाक्य के क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि खेलने के काम कौन कर रहा है, राम। उसी तरह नोट में भी यहाँ पे लिख दिए हैं कि ताकि आपको समझ में आ सके, जो काम को करने वाला हो वह सब्जेक्ट यानी करता है। यानी ऐसे ही आपका जब हिंदी में आप लोग सोचिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, यानी जो काम करता, क्या चीज जी, जो काम करता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। फिर कहता है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, क्या चीज जी, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो मनुष्य हो सकता है, वो जानवर हो सकता है, वो कीड़ा हो सकता है या गधा हो सकता है ना जी। अब जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखे हैं, ये तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं ना जी, सब्जेक्ट आ गया ना समझ में, कोई भी काम करने वाला क्या है जी, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे वर्ब है, वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, यानी किसी चीज पर क्रिया होना। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ब एक कार्य बताने वाला शब्द है जिससे किसी कार्य होने या करने का बोध होता है, यानी किसी काम को करने का या होने का बोध होता है। इसको जो है पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी कोई शब्द बोलते हैं, जैसे बोलते हैं पढ़ना, तो उसके अंत में क्या आएगा, ना आएगा। इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका है, वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है कि ना आएगा लास्ट में। जैसे यहाँ पे देखिए ना यहाँ पे लिखे हैं, फिर लिखे हैं रीड मीन्स क्या होता है जी, पढ़ना, यानी पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, ना आ रहा है कि नहीं सब में, तो ये सब क्या है, वर्ब है, क्या है जी, वर्ब है। ना आने वाला शब्द क्या हो सकता है, वर्ब होगा। फिर कहता है कि इसको हम लोग सबसे पहले तो ये रूल को हम लोग यहाँ समझ लिए, अब रह गया सब्जेक्ट समझ गए, वर्ब समझ गए, अदर वर्ड। अदर वर्ड में दो चीज आता है, एक तो बोल देते हैं हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, और कभी कभी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट। तो ये शब्द जो है इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, क्योंकि कहीं लिखा रहता है कॉम्प्लीमेंट और कहीं रहता है ऑब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सबसे मेन पर्पस हम लोग को इसी को समझना था। इतना पढ़ने का मतलब है इसको भी समझना, हम लोग आज क्लियर करेंगे कि जो है कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, जो कि आपको सब्जेक्ट समझा चुके हैं, वर्ब भी समझा चुके हैं, और फिर यहाँ पे जो है अदर वर्ड है, क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या कहता है कि जब कोई ऐसा यानी इम्पैक्ट पड़े, क्या पड़े जी, इम्पैक्ट यानी प्रभाव पड़े, क्या हो, प्रभाव पड़े, तब वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा।
कोई अगर काम कर रहे हैं, अगर प्रभाव उसका पड़ रहा है तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ही ईट ए मैंगो, क्या कह रहा है, ही ईट ए मैंगो। तो ही ईट के मतलब क्या हो रहा है, ईट मीन्स क्या होता है जी, खाना, और किसको खा रहे हैं, मैंगो को। तो मैंगो को जब खाएंगे तो बड़ा होते जाएगा, इतना बड़ा होगा तो बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा, खाएंगे तो नहीं ना होगा, वो क्या होगा, छोटा होते जाएगा। यानी उस पर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रभाव जब पड़ेगा किसी वाक्य में, क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर कोई भी अगर काम करते हैं और उस पर प्रभाव पड़ता है तो वो क्या हो गया, वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं हम लोग मैंगो खा लिए तो मैंगो को प्रभाव पड़ा, तो इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। पर यहाँ पे फिर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सेम वही है ऊपर वाला, पर यहाँ पे हम लोग को कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ नीचे दिख रहा है। तो सरपास, यानी कोई भी, जैसे हम कुछ बात बोल रहे हैं आप लोग को और कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, इससे भी गधा लोग को कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कुछ, आप लोग को कोई प्रभाव नहीं, हम बोलते हैं कि आज पढ़ के आइएगा, तो आप लोग क्या करते हैं, ना हम पढ़ के कहा जाए, हम हाँ सर बोल दिया, हम सुन लिए ना जी, तो वो क्या हो गया, प्रभाव नहीं पड़ा आप लोग को। जैसे यहाँ पे देखिए, ही लाफ्स एट नाइट, क्या जी, वो रात में हंसता है, कब हंसता है, रात में। तो जब रात में हंसा तो का रात दिन हो गया, हंस दिया तो क्या हो गया, क्या चांद नीचे आ गया, हंसा तो नहीं ना, कुछ प्रभाव पड़ा उसके हंसने से। अगर रात दिन में तब्दील हो जाए, चाहे चांद नीचे आ जाए, चाहे तारा जो है आके अगल बगल में घूमने लगे, तब ना प्रभाव पड़ेगा, पर उसके हंसने से कुछ भी का प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर कहता है ही गो टू दिल्ली, वह कहाँ जाता है जी, दिल्ली, कहाँ पर, दिल्ली में। तो क्या उसके जाने से दिल्ली और बड़ा हो गया, क्या दिल्ली उसके जाने से दिल्ली में भूकंप आने लगा, नहीं ना कुछ हुआ जी, ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ एक चीज बोलिएगा कि उसमें जनसंख्या में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, यानी उसके जाने से क्या हो गया, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई। तो दिल्ली में थोड़े हुआ, दिल्ली तो एक प्लेस है, एक जगह है, दिल्ली में बढ़ोतरी थोड़े हो गई, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, किसमें, जनसंख्या में, यानी आदमी की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई, ना कि दिल्ली में बढ़ गया। दिल्ली का इतना छोटा था, इतना बड़ा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं ना होगा जी। तो उसी तरह यहाँ पे दिल्ली में जाने से इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, क्या चीज, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो अब मुझे आशा है कि आप लोग को दोनों समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट कब कहेंगे और कॉम्प्लीमेंट कब कहेंगे, समझ में आया कि नहीं, आ गया ना पूरा।